नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आखिर बिहार के सिस्टम में फिल्मों के हीरो हीरोइन को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है? आखिर अभ्यर्थियों के साथ भद्दा मजाक बार बार क्यों? क्या अनट्रेंड लोगों के सहारे चलता है सिस्टम? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। बोर्ड ने एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह है साउथ की फिल्मों की एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर लगा दी है। शायद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी खुद को काबू में नहीं रख पाया होगा मलयालम फिल्म की मशहूर हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की खूबसूरती को देखकर। अनुपमा परमेश्वरम के प्यार बांटने की बात को बिहार बोर्ड ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और मलयालम की फिल्मों से निकालकर बिहार में शिक्षक बनाने पर आमादा हो गया। यकीन न हो तो एसटीईटी परीक्षा के पेपर वन का ये रिजल्ट शीट देख लीजिए। अभ्यर्थी का नाम ऋषिकेश कुमार लिखा है, जेंडर भी मेल लिखा है, लेकिन तस्वीर लगा दी है मलयालम फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की। अब अनुपमा को भी नहीं पता होगा कि बिहार बोर्ड में कोई उनका जबरदस्त फैन है जो उन्हें बिहार में शिक्षक बनाने का सपना देख रहा है। अब जरा सोचिए कि ये मेल अभ्यर्थी हैं और लेकिन यहाँ पे जो तस्वीर है वो साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम का है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में ये क्वालिफाई की हैं। यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है कि क्वालिफाइड, हालांकि ये मेरिट लिस्ट में नहीं आई है, लेकिन टीईटी की परीक्षा इन्होंने पास की है, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब जरा मिलिए जहानाबाद के रहने वाले ऋषिकेश कुमार से, जिनकी तस्वीर की जगह मलयालम फिल्म की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर लगा दी गई। ऋषिकेश के मुताबिक परीक्षा देने से पहले ही उन्होंने बोर्ड ऑफिस में गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और साउथ एक्ट्रेस की तस्वीर लगे एडमिट कार्ड पर ही परीक्षा देनी पड़ी थी। लेकिन रिजल्ट आने तक भी बोर्ड ऑफिस मुझे पता था अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके समस्या को लेकर हम बोर्ड ऑफिस भी गए थे तो वहाँ के अधिकारियों से बात किए तो बोले कि फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकती है, तो एग्जाम में तो यहाँ समस्या नहीं हुई थी, सारे बात हम उनको बोले तो बोले कि ठीक है, हम लेटर यहाँ से बनाकर बोर्ड ऑफिस को भेज देंगे आपके नाम। लेकिन उसके बाद भी बोले कि एग्जाम के बाद सुधार होगा, तो फर्स्ट टाइम में भी नहीं सुधार हुआ और बीच में लंबा दिन खींचे रिजल्ट की लेकर, बीच में बोर्ड ऑफिस गए तो बोले कि अब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ हो सकता है, फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा है काम। वहीं जगहसाई होने के बाद अब शिक्षा विभाग के सचिव ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो इसकी सत्यता की जांच के लिए हम लोगों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कहा है, एग्जामिनेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया गया है और आज बंद है, लेकिन मुझे लगता है कल जब ऑफिस खुलेगा तो इस बात पर जो निराकरण किया जाना है और इसकी जो सत्यता है वो सामने आ जाएगी। वैसे पहली बार नहीं है जब बिहार के सिस्टम की हीरोइन को लेकर दीवानगी दिखी हो। इससे पहले एक्ट्रेस सनी लियोनी को एग्जाम में पास कर पीएचईडी का जूनियर इंजीनियर बना दिया गया था, तो मुजफ्फरपुर के अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन पार्ट टू के एग्जाम में सनी लियोनी को एक अभ्यर्थी की माँ तो इमरान हाशमी को पिता बता दिया था, जिस पर सनी लियोनी ने भी चुटकी ली थी। सवाल है कि आखिर बिहार के सिस्टम में फिल्मों के हीरो हीरोइन को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है? आखिर अभ्यर्थियों के साथ इतना भद्दा मजाक बार बार क्यों होता है? क्या अनट्रेंड लोगों के सहारे चलता है बिहार का सिस्टम? पटना से शैलेंद्र, रवियश नारायण और जहानाबाद से राघीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं एसटीईटी की परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह एक्ट्रेस की तस्वीर के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। पहले सनी लियोन पास की, अब जो है मलयालम की कोई एक्ट्रेस है वो हो गई। बिहार में कितने भी परीक्षा हो जाए, कितने बार भी रिजल्ट निकल जाए, कभी भी जो है फेयर नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ जो है त्रुटियां हमेशा पाई जाती हैं। तो ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से मकरजाल लगा हुआ है शिक्षा विभाग में। कोई ऐसा परीक्षा, और राज्यों में भी परीक्षा होती है और राज्यों में भी रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन जो बिहार में होता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता, ये तो पूरा कॉकस है।
आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बिहार का एक अधिकारी धन कुबेर निकला है। बिहार सरकार